और द पर्सनस लेग्स रोमन यार लास्टिंग ओवर बिलादरी सर क्या टांगे ओए होए Shine Bhattacharya. Niladri got triggered because I used the adjective old. Next normie up is Niladri Bose. How are you guys feeling? Awesome. Whatever Niladri's age is, he's the youngest that age person I've seen. Yeah. That I will never disagree. Thank you. For sure. Thank you for the compliment. Hai. Sometimes he's younger than us also. Most of the times. Yeah. So, आज के वीडियोस के बारे में आपको थोड़ा बता दूं. करेक्ट. सो दीज आर माई गिल्टी प्लेजर वीडियो. कभी कभी जब आपका मूड खराब होता है, यू डोंट वांट टू लिसन टू तला अंजुम कृष्णा. दीज आर नॉट पॉर्न. नहीं नहीं. ओके. जस्ट माय मूड खराब गिल्टी प्लेजर. आई वाज जस्ट गोइंग जस्ट वांटेड टू बी श्योर. थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो अबाउट योर हॉबीज एंड योर पास्ट टाइम्स. Shine. I don't. I've never watched porn ever in my life. यहाँ पे folder दिख रहा है. हाँ. It says HHMMM. Hey, that's a. उस folder में I can see half a boob over there. So yeah. That's me. That's me when I was fat. I have never seen porn. ठीक है. So. Although he looks a lot like. Yeah. When my favorite porn star is Vishwanathan Anand. वेरी गुड मिक्स ऑफ आर्टिस्ट. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल वी विल फीचर कपल ऑफ फीमेल आर्टिस्ट. फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड जैसे मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया, प्लीज Go easy on them. Okay, oh, wow. Let's do this. कौन से नंबर पहले उनसे शुरू करते हैं? And also for the first time, we'll be reacting to a freestyle, a rap freestyle. Have you guys heard about rap freestyle? Yeah. Off the top. I've heard about it, but now on spot rap बनाते हैं. On spot rap बनाते हैं. बहुत सारे viewers को तो पता चल गया होगा कौन सा. अगर आप यहाँ पे बैठे होते और निराली सर आप यहाँ पे बैठे होते, it would have been seat change. This was an inside joke. उनको अब समझ आ गया कि कौन सा फ्री स्टाइल. सीट चेंज. हाँ, उनको समझ आ गया कि क्या कौन सा फ्री स्टाइल फीचर होने वाला है. okay. आपको भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. ओके. ठीक है. लेट्स जंप राइट इन द वीडियो. बिफोर दैट टुडे वी हैव टेस्ट ऑफ कूर की तरफ से येट अनदर हैम्पर. दिस टाइम वी हैव लेमन पिकल एंड पैशन फ्रूट स्क्वॉश. वाओ. क्या चाहिए आपको उन दोनों में से? I think I'm taking both because I'm gonna win this one. That's how you have to do it, Niladri sir. Yeah. Come on. But come for the first time, I think Niladri, you're sitting on the right side of this whatever. So will a change of seats bring a change in fortune? कुछ नहीं होगा, मैं हारेगा. No, but this दो sentence में confidence का shift हुआ देगा. No, but आज जीत सकता है Niladri. हाँ, बहुत कुछ change हो रहा है आज. Let's see. चलो, let's start with video number one. तू आज है मैं कल हूँ, सीधी चाल चल लूँ, खुद पे भरोसा रख आगे बढ़ेगा हल्लू कल्लू. मामा बोले गोली मार भेजे मैं सीधा भेजे पे फटका है. जिंदगी कह रहा मैं तू खोटा काय को भटका है, अटका है घर पे माँ के हाथ में झाड़ू कटका है. बाप गया काम पे खेलिए किस्मत का है, मटका है वर्ष मेरा टूटेगा तो झटका है. भेजे पे देने आया हूँ नया चीज लेके, खुद से क्या क्या हमने है किया तुम जरा प्लीज देखे. सीखे या नहीं क्या सिखाओगे तुम, खुद की ओवर पटेली करने में हो जाओ मत घुम. घुमसुम रहना बंद कर चल झुम झुम झुम. गाना बेस बजे स्पीकर में अब धुम धुम धुम. टोनी जेम्स के म्यूजिक को तो सुन सुन सुन. गाड़ी तेज चली बेड़ा अपना रूम रूम. न्यूक्लिया क्या है? क्या नहीं नहीं न्यूक्लिया का नहीं, बिकॉज़ लास्ट में न्यूक्लिया का म्यूजिक हां थोड़ा सिमिलर. डजंट ही लुक्स लाइक दैट गाइस? नो, चैन से सोना है तो जॉब चाहिए. सनसनी सनसनी दिस गाय एमी में बंटा ही है ना ये. हां 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 ही लुक्स लाइक दैट गाय. नो, ओह दिस इज एमी में बंटा है. हां, चैन से सोना है तो जॉब जा. लाइक सी, मैं तो मैं रैप सुना दूंगा. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एमी में बंटा है. या बट I mean, for some reason, I like Divine, I like Raftaar, I like Brother V and all that. But this is below standard, this particular track.
Why do you think so? The music, just everything. It's just leaves a bad taste in your mouth, like bitter gourd. But yeah. That is good for health. So do you find? Do you? This is definitely not fucking good for the health or for your eyes or for your mood, because he's. I never liked the guy. Why is that? Why do you look there? No, why are you staring at me? Why do you dislike him anyway so much? Because there isn't. I just feel he's a force fit into the rap world. I mean, he could have been better off doing something else. Accountant. Is the accountant with that looks will have been difficult. Nobody would. Okay, chicken seller. बहुत सारे professions हैं. वो कर सकते हैं. यहाँ पे क्यों घुसे? Leave the rap to Divine, Raftaar, Brother V, Mufad, Krishna. They're all there. Don't let them do the rap. आप थोड़ा सा side हो जाओ. Career counselling करो. Which side of the bed did you wake up on today? Oh my goodness. But it's very... Exactly. This song especially... Chun, 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 gun, 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 chun, 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 dun, 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 dun. It's very like... very like that, no? Oh God. So yeah, this track is called Bajo and this will go down as MUA's worst track yet. I know the choreographer. Who? दिस गाय अरे यार मैं उसको फॉलो करता हूँ यार इंस्टाग्राम पर काफी सारे एक्ट्रेसेस के साथ डांस करता है कोरियोग्राफर एक और छोटी वाला बंदा नहीं था उसके साथ बॉस्को सीजर कोई नहीं बॉस्को सीजर नहीं है ये रेमो नो वी डोंट कुछ माधुरी दीक्षित बोल दो गणेश आचार्य गणेश हेगड़े नहीं रे एक ये है धर्मेश सर नहीं रे हेलन सरोज खान Anyway, the point is, yeah, I know that the choreographer is good. Acha. So you like the thing you like the most about the song no. was the choreographer. No. Featuring. That's the worst. के audio में क्या अच्छा लगा choreographer. ठीक है. So this was the first track. Track is called Bajo by MUA. So the question is, इस पूरे गाने में छोटी सी जगह पे एक product placement किया गया. हाँ. ठीक है. Fuck. Oh shit! You have noticed that. आपको लिखना है कि वो product क्या था. अब देख रहे cheating कर रहे शायन. Oh ये तो कोई chance ही नहीं है. ऊपर लिख दिया. Okay. Oh shit! I have to take a random guess. हाँ. Nirodh condom. Shoe polish. Judging by the track. Royal Enfield. Yes, the first point goes to Niladri. Yeah. पता है क्या? 3-4-5 frame का होगा शायद वो. हल्का सा एक color डालता हूँ दिखाते हैं and Niladri managed to notice that. Yeah. Good. 1-0. 1-0. What a start. हर start ऐसा ही होता है. Then the real Niladri takes over. हाँ, I am saying this Niladri is winning. The way he is inconfident about his win, that tells me that he's probably winning. Yeah. Let's go with video number 2. तुम्पा है केश्तो का साथ में. जा साला तब से पप्पू का दिल में फूल चढ़पोए भाई चढ़पोए भाई फूल चढ़पोए भाई तेरा अब्बू का लुंगी में केला मिलेगा हमसे भिड़ेगा झमेला मिलेगा बड़ा ठेला मिलेगा तेरा चच्चा का अंगना में लेके अपना गोदी में आर पार देगा मेरा बस्ती का लड़का लो गाड़ फाड़ देगा तेरा जॉन्डिस को अच्छा से आड़ झाड़ देगा रुक तेजो प्याजू का तेरे फूल कटिंग कराया है चूल में लाइन चलेगी सगा सलून में तो डर जगह रे गुल्लू मारेगा तो मर जगह रे फिर रोते रोते अपना घर जगह रे अबे ते तो इसको काना कर दिया ये तो दीवार में लड़ जगह रे ए दीवार में लड़ जगह रे पकड़ पकड़ ए दीवार में लड़ जगह रे धड़ धड़ ए दीवार में I love these guys man. Yeah. I love do you know this is actually a diss track against the guy जो आगे कुछ टाइम बाद आपको आने वाला है okay. इस लाइनअप में है I was wondering in this track there is a line तेरे अब्बू को लुंगी में केला मिलेगा और तेरा चच्चा को गोदी में लेके उसका आर पार देगा चच्चा इस thing like why me मेरे को क्यों involve कर रहे हो I was not I don't even talk to this family no? I fought with my brothers about 10 years back तो उसका breakdown ये है कि ये जिस diss track को reply दे रहे हैं उस diss track का नाम था चाचा अच्छा तो दैट्स व्हाई चाचा को गोदी में लेके नहीं चाचा को गोदी में नहीं लेगा चाचा के अंगने में इसको गोदी में लेगा जिसको डिस्क कर रहा है और उसके आर पार देगा सो दैट्स अ वेरी मतलब इंसेप्शन टाइप का काफी लेयर्ड आर पार है वो बट अब्बू के लुंगी में केला व्हाई इज ही अब्यूजिंग दैट गाइस डैड एज वेल He's not abusing, he's just stating a fact. Saying that you get a banana in the lungi. That's it. It's not a fact. Nobody has a fucking banana there.
So these guys seem Bengali, if I'm right. Yes. These are the exact same people I was talking about. You know, how do you know it's Bengali? Chul. काटा है चूल. ओह अच्छा वो भी था. और एंड दे आल्सो सेड ते. बंगाली में ते बोलते हैं बहुत कि ते इधर आएगा तू इधर आएगा वो ते इधर आएगा. हरी साल हीरो बनने मांग रहा है. इस टाइप से भी बात करते ये लोग इसी एरिया के लोग. Don is the worst Bengali accent of all time. This is not the Bengali accent. Bengali accent तो होता है जिसमें छोटी आँख की मात्रा को ओ कर दो. Rohan. In the previous video, when you were saying you are from Kolkata and you know the thing, he's saying नहीं यार ये. But then again, काफी सारे viewers नहीं जी लिखा. काफी सारे नहीं. एक comment मैंने देखा. तो उसने like भी किया है. उसको तूने highlight भी किया है. हाँ. और तूने बाकी comments को highlight नहीं किया जिसमें लिखा था कि नहीं होता ऐसा. ऐसे मेरे को मिला ही नहीं कोई ऐसा comment. One person had said, Rohan, you come to कोलकाता विल टीच यू करके ऐसा कुछ. नहीं नहीं कोलकाता एक्सेंट मैं मस्त ना गाली भी जानता हूँ कोलकाता में. हम बंगाली लोग ऐसा फैल चुके हैं ना पूरे भारत में. सबको सिखा चुके हैं हम लोग बोका चोदा एंड ऑल ऑफ दैट. बट या दिस गाइस आर फ्रॉम कोलकाता. टुकरे पोद मेरे दाओ. टुकरे पोद मेरे दे. देखा. हाँ एक और है बाबर झोल ले. नहीं नहीं बाबर टोल धोरे झोलो. हाँ देखो थोड़ा सा बस रट्टाफिकेशन में थोड़ा पीछे रह गया वरना मैं कितनी सही गाली देता था. Do we have school kids watching our show? They'll not understand anyways. ठीक है ना? Baba tall धोरे झोलो they'll not. नहीं they'll not. So if Baba is. अरे ठीक है ना यार अब ठीक है. Understand basically swing on your dad's dick. That's it. That is how if they're in doubt like I don't think that's physics lesson ka doubt jo aap clear kar rahe ho yahan pe. So just is very is very educative like that. Basically it's swing with that. And they look towards others. ठीक है. सो हाउ डिड यू लाइक द ट्रैक. नाइस ट्रैक. आई लव द ट्रैक. आई समटाइम्स ट्राई टू सिंग द ट्रैक बट आई हम इनकरेक्टली. राइट. इट्स द ट्रैक सेज नो कि मेरे बस्ती का लोग तेरा. आई समटाइम्स सिंग तेरे बस्ती का लोग मेरा गांव फाड़ दे. देन आई वंडर कि दैट्स नॉट द हां सेल्फ दिस ट्रैक. दैट्स नॉट प्रोबब्ली व्हाट द पोएट वाज गोइंग टुवर्ड्स. मेरे बस्ती का लोग मेरा गांव फाड़ देगा. मेरे अबू के लुगी में केला मिल गया. There should be a scared rapper who's scared of everyone. That's what I. That's the kind of rap that I would look for or I would do. Yeah. Humble rap. You should dive in. Dive in, please. ठीक है. The question is, इस वीडियो पे कितना likes है? Likes, not the views, not the comments. Likes. Go for it. I think this the video is at a view of probably 8 to 9 lakhs right now. 8, 9 or maybe even 10 lakhs. Okay. So if you're asking about how many likes. Okay. Likes. Yeah, I've said that 3 times. I have a feeling Shine is going to take this. But 50k. 50k. I have changed my feelings. About 5.8 lakhs. It's 1.3 million. So I think millions. Yeah, close, bro. Always closer. Views, by the way, is 40 million. 40 million. Views कितना? ये पता? 40 million. ये अगर तू बताता, ऐसे इसी तरह, as a host, give these kind of. नहीं, तभी तो मसला देखो कितना difference मिला हमें. You're right. As a host, also Rohan wants to be. ठीक है. Next video is very special. First time. Okay. We have a female representative on Normie's React. Come on, India. Let's do it. Let's not do it. India. Let's do it. She's a Pakistani, by the way. She's a Pakistani. All right, let's do it. हिजाब की दर है नहीं मिलेगा सवाब. अपनी अपनी कब्र की बात है जनाब. कफन में कीड़े कब्र पे गुलाब. गमों का सलाब ख्वाब भी अजाब है. जिंदगी है कम बड़े है गम. हर तरफ है गम but I can feel none cause I'm so fucking numb. Just trying to have fun son. I'm a Barbie girl in this motherly world. World nahi pe cult hai, heartbreak yahan must hai. Pyar nahi ye lust hai, jo sabse badnaam yahan wo hi first hai. Paisa nahi ye purse mein, par online show ki must hai. Instagram garam hai, bhai bachi check kar yum pum hai. Bandi bandi to set hai, varna sari slut hai. Expectations bhi jhat se bandi ho, thick si, slick si, sasa sharif hi. Bhai khud tu sharif nahi, bhai khud tu sharif nahi. She is Dhinchak Pooja's inspiration. Yeah. Which is why she's a better version of Dhinchak Pooja. Okay. Little better. Little light. Little yeah. better. And she's because I think she's old school rapping style, man. Please don't. 120% easy on the eyes.
equals to easy on the ears for Niladri. No, I'm saying 100 at the easy beats, plus D. Beats, yeah. Yes, old school. That's what I'm saying. Yeah. No, we are not judging the producer. No, we no, are judging the singer. No, अभी कुछ देर में बोलेंगे भाई ये तो थोड़ा राकिम राकिम जैसा था. Her lyrics sucked. Okay. Okay. It was horrible. How was the flow? Shit. It was shit. I was not even listening to the song. You're looking at a face. I was looking at something nice in the frame, which I couldn't get. Not a face. No. Achha. Yeah, I mean, she should lose those red sunglasses, you know, and she should stop rolling her R's. And yeah, that's another thing that I was also noticing, that she is talking in good Urdu or Hindi, whatever, and then her R's are too rolled, too like rolled. It Instagram like, and all of yeah. that. Yeah, it looked like those Pakistanis who live in England and then they come back. Okay, she's rich. I don't know if she's been. She could have. I'm not sure. मेरे हिसाब से तो नहीं, but अगर जो मेरे को पता है वो बता रहा हूँ. She is a millionaire. She owns Rawalpindi. She's a millionaire. नहीं no, I'm just kidding. Rawalpindi is a garrison. उनकी बात क्यों मान रहे हो? मैं यहाँ पे आपको stats दे रहा हूँ. बोल रहा है she owns Rawalpindi. Oh, really very good. Nice. Rawalpindi is a garrison town. She can't. Shoaib Akhtar इतनी घर पे जाके net practice. No, but she's forced herself into this profession, like just like how MEVA has done. It's like that. No, I mean, don't compare MEVA to. No, this girl. For me, this was her first rap, and MEVA has been in the scene for like 6 years now. Okay, but yeah. But बहुत सारी जगह पे flow भी ऐसे बिगड़ रहा था. मतलब उसने बहुत ज़्यादा words लिख दिए. छोटा sentence होने दे. तो इसने फिर फटाफट बोला. Yeah. मैंने बताया क्या किया? मैंने yeah. कुछ नहीं किया मैंने वो देखो दिख I'm a Barbie girl ये तो मतलब ही वर्ड फिट क्यों कर रहे हो अगर नहीं फिट होता यार I don't understand which is what I had told about that guy जो एक गेमर था पिछले एपिसोड में नहीं 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 वो उसका मत वो तेरा अच्छा दोस्त है क्या वो नहीं बिल्कुल मैं उसको कहीं नहीं जानता लेकिन उसका रैप एक्चुअली अच्छा था अच्छा मच बेटर देन दिस हां दैट आई एम सीइंग ठीक है मतलब ही आपको बस इसका नाम ठीक है हो गया यू कैन टच माय क्या बट यू कैन टच माय हेयर ओह हेयर या आई विल शी से यू कैन टच माय बट बार्बी गर्ल को आपने ऐसे और कह रहे मैं पॉर्न नहीं देखता दिमाग में वही भरा है बार्बी गर्ल के गाने में You can touch my butt बोल रहे हो वो rhyme भी नहीं होने वाला अगले में folder pop up हो रहा है वाला जिसमें सब घुसाया इसने सब घुस why will I keep it if I had porn why will I keep it on desktop anyway we go हाँ sorry easily accessible ठीक है तो इसका नाम है बिस्मा खान गाने का नाम है बेटी बिगड़ गई okay you have to tell me इस गाने पे कितने views हैं एक साल पहले release हुआ है और ये बहुत rich है और इसका PR बहुत अच्छा है अच्छा बाकी रैपर के साथ इनफ इंफॉर्मेशन गो फॉर इट निराद्री आप बोलो पहले निराद्री 8.1 मिल 8.1 मिलियन 3.8 मिल 3.8 विंस बिकॉज़ द टोटल अमाउंट ऑफ व्यूज दिस सॉन्ग हैज इज 575k ओह इट्स नॉट इवन अ मिलियन सो द स्कोर इज 2-1 राइट नाउ निराद्री सर स्टिल लीडिंग द फोर्थ ट्रैक ओके आप पहले सुन लो उसके बाद विल टॉक अबाउट You know, when he made the track, he was singing once. And then people ganged up to beat the fuck out of him. Yeah. This is when he came up with Jaane Dena. That's what he's saying, the Jaane Dena. Jaane Dena or Gaane Dena? Oh, of course. this is the reason. He was being beaten the fuck out of by passers-by. And that's when he sung the track Gaane Dena, Jaane Dena. Jaane Dena, Gaane Dena. उठा सवाल कर जो देखा तूने उसको बवाल कर संभाल कर आज तू घायल खुद को दबा कर कल भाई तेरा मरा उसे दुआ कर तू खुश है खुशी को दबा कर मेरे साथ वाले दोस्त गए मर खुद का कुछ नहीं सब बेघर तू देखी दर खुद का बनाना घर खुद का खुजा तो सर तेरे दिमाग में खजाना और तेरे ही हाथ से बजाना फन फन मेहनत किया ऊपर से मिलेगा धन पेट भरता पर भरता नहीं मन कितना मैं मारू मन मुझे रात में मिलती छाव और दिन भर मिलता सन सन
आई वाज थिंकिंग वन पॉइंट ऑफ टाइम विद धन और क्या बोला फन जो स्तन कर देगा स्तन आई वाज थिंकिंग स्तन विल कम बट टू हिज क्रेडिट इट डिड नॉट This guy sings worse than me, which is super difficult. which is really difficult. He also looks kind of like John Lever's son. Isn't it? I thought he was John Lever's son. Yeah, yeah. But he's absolutely fucking divinely... Whenever you use that word, the next adjective is very... yeah, he's a fucking ugly fucking person, man. I mean... Sometimes when you ugly in terms of talent or in terms of how he looks? आप लोग इतना मजाक बना रहे हो तो ये बंदा जो है he is from the streets, like, घर वर में बहुत बहुत ही ज्यादा सब सही है I'm saying if See, rap was also बाकी थी मतलब बाकी जितना भी सुन रहे हो रैप बट ये जाने देना गाने देना अगर आप दो बार कर रहे हो वो 50 बार आपने शुरू में किया जाने देना you have to do that? And why aren't you talking to someone like I want to be a musician. What should I do? because every rapper has come out in their verse and said that मुझे पहले किसी ने भी साथ नहीं दिया अब सब मेरी तरह बनना चाहते हैं. So this guy also thought कि fuck people are not trusting me then I should become a rapper. नहीं but साथ नहीं दिया तो जाके बात करो ना. What is क्यों साथ नहीं दे रहे हो? Why are you being my cover? कोई problem है? What is this? At least take advice, no Rohan. Tomorrow you challenge me and Cheyenne to make a music video, a rap music video. Now we are not going to just immediately get on our keyboards and start composing because we don't know. Right. He's got a sense of tune. Okay, all that will come into use, but we will take advice from somebody. Ki acha lag raha hai. Do I look good? You know, should I not be in the video because I'm so good looking? Can it be like that? There are different ways to, you know, maneuver around this. मत करो यार ज़्यादा भाई आप तो रैंट पे चले जा रहे हो नहीं नहीं ओके ठीक है सो नेक्स्ट दिस थिंग स्पॉन्सर अपार्ट फ्रॉम टेस्ट ऑफ कूर्ग शुड बी समथिंग फ्रॉम मेडिकल्स लाइक नारायणा हॉस्पिटल कुछ ऐसा मेडिकल एक थोड़ा ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट वगैरह ऐसा करके अपन कि नहीं मेडिकल प्लीज स्पॉन्सर अस जस्ट अरे ऐसे वीडियो दिखाओगे तो मैन कम ऑन संडे आफ्टरनून है तो लेकिन इस बंदे को पता चला उसको जब रिव्यूज मिले ही डिलीटेड दैट वीडियो सो इट्स नॉट ऑन YouTube तो निकाल लिया हां तो निकाल लिया मैंने तो डाउनलोड करके मैंने बोला ना मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे गाना तो मैंने डाउनलोड करके रखा था सो ही इज टेकिंग इट गाने का नाम है क्या गाने का नाम है ऑब्वियसली सुन के दिखाओ गाने का नाम इज ओपन चैलेंज कैन बी यूज्ड एज अ टॉर्चर टेक्निक बाय द कॉप्स अच्छा आई थिंक लॉ ऑलरेडी यूजेस इट जस्ट इट्स द फाइनल फाइनल एकदम फेज ऑफ द टॉर्चर एक्चुअली देयर इज अ टॉर्चर टेक्निक बाय द वे वेयर दे ब्लेयर rock tracks at high volume and loud and with lights on you absolutely and then, I think they're soon going to replace those rock tracks yeah with this yeah acha theek hai to ye gana to delete ho chuka to is pe actual views kitne ho to abhi pata nahi no artist ka naam hai thorat thorat ha from mumbai theek hai you have to guess the followers insta followers this guy has अच्छा मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में बैकड्रॉप दे देता हूँ ताकि आप थोड़ा एक कैलकुलेटिव गेस ले पाओ ही हैज कोलैब विथ एमयूए बंटा है इन द ईयर 2018 अच्छा उसके बाद क्या किया एंड एक और इसको आप पहले सुन चुके हो वो गाना याद है ए लौड़े ओ बैठ ये नहीं वो तो स्टैन था ना नहीं 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 यही था सो दैट वाज अ डिस्ट्रैक अगेंस्ट कृष्णा जो कि एमिवे बंटाय के बर्थडे के दिन रिलीज किया गया था भाई आर यू जस्ट डिड यू जस्ट पुट डाउन अ लाइक अ स्लैंग नो इंस्टा फॉलोअर्स लौड़े आई डोंट वांट टू अटेम्प्ट आल्सो ओके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स गो फॉर इट क्या आवाज निकाल रहे हो भाई इरिटेटिंग आवाज ओके लेट्स सी हाउ मेनी हैव रिटन I've written my answer. You write 775. Bas 56k, 34.1k. Ha, I win. You win. And that's how you
level the scores. 2-2. He's got 34k followers. Yeah. Aapne 775k. He said he collabed with MUA. Yeah, so that's why he has 34k. थोड़ी बच जाएगा वो MUA के जो बहुत ऐसे आर्डेंट फॉलोअर्स हैं वो बोलेंगे कि यार ये भी हमारा भाई, हमारे भाई का भाई, हमारा भाई, तो वो जाके फॉलो करेंगे ना. ऐसा नहीं है कि MUA का हर बंदा चला जाएगा जहां पे वो जाना चाहता है. ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो. आई हैव टू गिव यू अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वीडियो. रुक जाओ. अच्छा, okay. वीडियो नंबर 5 इज माई फेवरेट रैप वीडियो ऑन यूट्यूब एंड इट्स फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर रैपर. अगेन फेवरेट इज इन डबल कोट्स. स्नैप बैक लिया मैंने, खोला उसमें डाला हुडी, थोड़ा बहुत मूडी मेरे को लगा मैं तो अब क्या करूंगा, क्यूटी बोले लड़कियां मैं कोच हुडी खिड़किया, गलियों में जब घूमू मेरे को बोले हाय, मैं बोलू बाय, थोड़ी देर बाद आना, वहां से लिया मैंने देसी हिप हॉप, उसको पैक करके सूटकेस में यहाँ पर लाया, यहाँ पर देख के सारे लोग, क्योंकि पैदा हुआ हटेली इलाके में, वहां से लेकर जाता मैं तो हटेली इलाके का, मैं पान खाता हिंदुस्तान आता अफगानिस्तान पाकिस्तान, उड़ के आया मैं सीधा लैंड किया यूके में, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग भूखे, नहीं मिलने वाला तेरे को कुछ भी, तू घर पे जा बेटा सो जा, जाके चादर उड़ के, क्योंकि मैं फादर हूँ रैप गेम में दादर, क्योंकि यहाँ भूखे है सारे लोग भूखे, यूके यहाँ यूके है सारे लोग यूके है यूके में सारे लोग भूखे. This is something I'm capable of. ये मैं कर सकता है. If I can give, I can do it. This I can do it. Yeah, I mean. Because you don't even have to rhyme here. मैं आया तिपसांद्रा से बनशंकर. No, this is called बनरघट्टा. बनशंकरी. Oh, sorry. बनरघट्टा. गांड में हिलाया. हाँ. शायन के. फोन में मिलाया. क्या शायन के टट्टा. शायन के टट्टा. लेकिन उसके बाद गांड में हिलाया, फोन में मिलाया, आया ऊपर तक चल के, फिर फिश फ्राई खाया. अभी हैम्पर दे दो. भाई दिस हैज टू बी द मोस्ट ब्रेवेस्ट फीट एनीवन हैज अचीव्ड. ये यूके के बीबीसी एशियन रेडियो में जाके फ्रीस्टाइल कर रहा है और बोल रहा है मैं आया यूके में बिकॉज़ यहां के लोग है भूखे. वही तो. व्हाई इज इट सेइंग यूके भूखे. एंड आपको समझ आया ओहो सीट चेंज क्यों बोला था. ओहो बीट चेंज बिकेम अ ह्यूज मीम जिसको खुद नेजी ने भी ट्रोल किया. चलो अच्छा, या आई लाइक इट. एनीबॉडी हू टेक्स अ डिग एट देमसेल्फ्स दैट्स नाइस. एक सेकंड बिफोर वी टॉक अबाउट दिस फ्रीस्टाइल एज वेल, एक 5A करके एक वीडियो है. अच्छा, वो भी कंटिन्यूएशन ऑफ दिस. That's again a freestyle by Nazy. What a knock, shot the beat. Oh, beat change, mere dost change, mera swag change, lekin main wohi. Oh, beat change, meri topi change, mera chashma change, lekin tu wohi. Oh, beat change, meri roo wohi. Oh, beat change, meri body wohi. Oh, beat change, mera dost change, mera swag change, mere joote change, mera sneakers change. Oh, beat change, meri gaadi change, meri deal change, meri KTM change. Oh, beat change. Chill, bro, chill. Now I'm saying this. Oh, beat change. Oh, beat change. Oh, beat change. Some good change. Oh, beat change. Meri country change. Oh, beat change. Main to UK mein. Oh, beat change. Meri country change. Lekin main wohi. Mere instincts wohi. Oh, beat change. Meri ghadi change. Mera time change. Mera waqt wohi. क्या था ये? ये क्यों किया था ऐसा? Fuck, this is horrible. That he was trying to troll himself. I don't know about this, but उसने एक और गाना भी बनाया है जिसमें उसने actual में गाने के बीच में beat change करी और बोला ओहो beat change बहुत अच्छा किया है वाला. जरा भूले मोहब्बत नफरत फैसला दुल्ले ओहो बीट चेंज रीति रिवाज चेंज माशरे समाज चेंज भाई के मिजाज चेंज. लेकिन दिस अच्छा एक बार ये पीछे कौन सा बंदा था? मेरे को पता नहीं, इंग्लैंड का कोई बंदा होगा. I don't know who that guy is. ऐसे क्यों करते हैं रैपर के पीछे? ऐसे क्यों करते हैं? Hype man होते हैं, hype man. Like this is शायरी. वावा, वावा, वावा अलग है. Hey यार, nice यार, that's okay. वावा, okay. Oh, क्या बोला? ऐसे क्यों करते हैं? I find it damn weird. I find it really damn weird. What's the fuck? You're I'm saying your bar for the exclamation point in your life is really low. You know what was the best part? Really low. Oh, beat change, main wahi movie.
तू वही and he goes oh हाँ सुना आपने वो पहला वाला फिर chill man chill bro ऐसा oh उस बंदे को लग रहा है ये फाड़ रहा है एकदम उसको तो हिंदी समझ नहीं आ रही उसको लग रहा है भाई ये फाड़ रहा है एकदम रैप में कत्ल कर रहा है he did nothing so this is a bad day Nazy I kind of like Nazy I think this is a super bad day for him or he must not be good at freestyle he has a lot of bad days when he's freestyling Let's put it that way. So, isn't the answer coming to him? Isn't that enlightening him a little much that, you know, let me just shut the fuck up and not go towards freestyle because I suck at it. This is not freestyle. Mera watch change, mera London change, mera brand change, main wahi hoon, mera ye hai, what the fuck is that? That is not freestyle. I've seen freestyle rapping in Bangalore. Kya yaar? watch change. मेरा गार्ड चेंज लेकिन मैं वही हूँ एंड वो कह रहा ओह बैंचो ये क्या लोगो फ्रीस्टाइल है ये यार सो नाउ यू नो व्हाई दिस इज माय फेवरेट क्लिप ऑन द इंटरनेट या फेवरेट रैप क्लिप आप थोड़ा सा सामने आ जाओ ब्रो मैं वही हूँ सब चेंज हो गए बट आई एम स्टिल द सेम नाइस Good, ठीक है? We'll talk about BBC freestyle जो इससे पहले किया था. Do you want to refresh it by watching it? No. Once is enough. वो मेरे को बोली hi, मैं बोला bye. But I was feeling bad for him. मुझे पता नहीं क्यों. No, I don't feel bad for such people. अरे नहीं. On a serious note, freestyling is actually bad. Plus वो जैसे BBC जैसे जो कोई भी है जैसे रफ्तार को ही बुलाते हैं, they perform something called pre-written freestyle. So they've already written that. I don't know why he did not do that because everyone, even Divine, when BBC me gaya tha, he had pre-written stuff. So that means he would have known what beats were going. He was no, going to no, be no. Rapping he had written. So, आप कुछ भी अगर 4x4 के बार पे लिखो, तो उसको थोड़ा tempo shift किया जा सकता है. हाँ. He went in thinking कि यार ये तो BBC freestyle है ना. I'll do off the top. Off the top मतलब on spot बनाना है. मैं आपको भी topic दूँगा उस पे बनाना है. He's actually very similar, like how I have come into all these normies videos thinking I'll win and I've lost most of them. Yeah. That is what is happening over there. No preparation, no pre-writes. I was thinking वो बंदे का radio jockey का BBC का radio. उसका बंदे का क्या? He didn't know what to do. Tommy Sandhu. हाँ हाँ. क्या बोला रे इसके बाद उसको? मेरे को नहीं पता. I really want to know. किसी कहीं से भी क्लिप नहीं मिल रहा मैं जा रहा हूँ मेरे को पता है they gave him a non-disclosure agreement to never come the fuck back into the country and not any fucking radio station that is what they told him UK के what भूखे हैं you are fucking what are you doing it's BBC Asia एक और भी था हटेली इलाके का मैं पान खाता हिंदुस्तान जाता पाकिस्तान अफगानिस्तान सीधा लैंड किया UK में हाँ I thought he was going to list out all the countries he's crossed over here पाकिस्तान अफगानिस्तान मोरक्को में एक लैंड स्टॉप किया था बैगेज चेंज इन टर्की पासपोर्ट ऑफिस में बोला चश्मा उतार हेडबैंड निकाल just that would have been a good freestyle rather anchor would be like what the fuck is happening he's just listing out what he's done since morning the whole day सुबह उठा गया पॉटी okay, what are we थोड़ी पीली थोड़ी नीली थोड़ी काली shouldn't have given that potty yeah. link shouldn't have given that रोहन को कुछ मत देना अच्छा बोलो कितना क्या state of matter भी था उसका थोड़ा mix mix god थोड़ा gaseous solid और फिर थोड़ा liquid how was that that is the nice. You should do this rap when you go on a date with somebody just hey I'm a rapper and then you should do this rap theek hai let's bhai ye Nazy ki bichare yaar wo itna legend I like Nazy though yeah bhai Niladri why you like this no it's huh. he's judging Nazy based on the videos Niladri before you ask the question Niladri is already writing the answer he wrote 5 and then he scratched it out okay views on BBC freestyle Not the second one. I feel bad. Bichara Nazy is a pioneer of Mumbai rap. I like Nazy, but probably freestyle. Freestyle is not. Every rapper doesn't have to be good at freestyle. No, not at all. It's like Chetishwar Pujara can't be a good T20 one day player. Or best. T20 player. Correct. But good. He tried his hand at T20 one Yeah, day. But the difference is Chetishwar Pujara backed off.
हाँ बट यू डिड ट्राई ठीक है यार यार आप ये तो इतना बढ़िया कवर अप दिया आपने नीलाद्री सर ने फिर से चतेश्वर बुजारा गॉट द हिंट कि भाई सो हाउ डू ही इज नॉट डूइंग इट नो एनीमोर अरे दो वीडियो दिखाए रोहन ने आई एम श्योर ही इज डन मेनी वीडियोस ही इज या देयर इट डजंट बैक ऑफ 3.9 मिलियन व्यूज 3.9 मिलियन 173k व्यूज 32 इट्स 593k व्यूज 593k चलो ठीक है 32 You've lost your 2-point lead and now you're trailing by 1 point. That's okay. Okay, next one is our local. Karnataka se. Bangalore se. बेंगलुरु का पुट्टा कई कुरे मारा बैगन का भरता बनाता तेरा कई कुरे दिख रहा शिवजी में घुसरा सुलेमान पीरा पाला दे चिट्रा हटरे में आगा दे गली में तेरे छागा दे कर तू तुझे नंगा दे अब तू बेटा जंगा दे जबान में मेरे उर्दू दे झंडा के बता खाली फे खुद को तू पहले जागो से एक बाद में आपको बाधा फे मेरी लाइफ मस्त बा फिकर होती मैयत में बा जिंदा मिलिया खरस बा माँ को शबाना 5-6-0-0-4-7 हाँ मेरे सर पे माँ की है बरकत हाँ मंजे पसंद नहीं तेरी हरकत हाँ ख्वाहिश मेरी बनाना मन्नत हाँ कई कुरे करता ऐदा वली बाता तेरे खली वली बेवड़ा सीखी तेरी बुड़ी जीत से मेरी तेरी चली धुआं भर को तेरा गुर्दा बाता करता जस्ट्रा हलचल तेरा यता प्यारा बंद कर तू तेरा गुर्दा झटके का माँ कई कुरे तुझे पोटे भी थूकना कई कुरे तुझे घर से भी फेंकना कई कुरे तुझे अच्छे ने क्या पाले रे बच्चे Nice. Yes, it's. I think with the track, what nice. It's a nice. I didn't find nice at all. First of all, I couldn't understand most of the chorus parts. क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आया. It's a boisterous track. I mean. Also, I think. No, the way this track was mixed had some issues. बहुत सारी चीजें overlap हो रही थी. आपको वही लगा? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. अगर आप इससे पहले का देखते. But I think one thing, एक चीज मुझे अच्छा लगा. कि बाकी सारे रैप ट्रैक्स में जो हम लोग इतने दिन देखे उसमें बड़े बड़े कार्स बाइक वाले स्टंट कर रहे हैं रैंडम ये यूलू लेके ही नोस यू ओम प्रकाश मिश्रा एक्टिवन में नहीं घूम रहा था वो चूतिया है उसको छोड़ो बट दिस गाय बट आई सी आई एज यू सेड देयर इज अ क्वेश्चन इन द मिक्स The vocals are much louder. It's so loud that you can't actually listen to the music beat. I couldn't make out what he's saying. And every rap track, every diss track has to be ki tere ko nanga kar dunga. This is not diss track. I don't think this is a diss track. He's just boasting about himself. Ki bhai wo apne haters ke saath. No, but this is a track which became a diss track at his own abilities. Yeah. Where do you think this guy is from? Ye to aap kyunki ye to Bangalore mein hai to aap. Haan. Guess karo kahan se hoga. Hyderabad. अरे बैंगलोर में कहाँ से होगा ओ बैंगलोर में कहाँ से होगा बैंगलोर फ्रेजर टाउन शिवाजी नगर है ना मैंने भी वही गेस किया ही सीम्स लाइक अ गाय जो साइलेंसर से साइलेंसर हटा के बाइक नहीं चलाते रॉन्ग साइड पे ही सीम्स लाइक दैट गाय आई एम नॉट श्योर एंड दे विल सिट वेरी नियर टू द बाइक हैंडल जो साइलेंसर चला के ऐसे उठा के बाइक चलाते हैं दे विल सिट वेरी नियर टू द बाइक हैंडल एंड पीछे ऐसा तीन लोग होंगे दो लोगों की सीट पर चार लोग बैठ के एकदम ऐसा करके दे ड्राइव और वो व्हीलिंग करते हुए पीछे से ऐसे ऐसे टच करता है पीछे बैठा हुआ इंसान देखा आप लोगों ने मैं ये सब चुते अब चीज नहीं देखता ठीक है सो द ट्रैक इज कॉल्ड बैंगलोर का पोट्टा 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 मतलब लड़का लड़का तो अच्छा अगर किसी को डिस नहीं कर रहा था ये किसको नंगा करने की बात कर रहा है ये मतलब जस्ट जनरली बोस्ट कर रहा था कि मेरे से अगर पंगा लोगे तो ऐसा हो जाएगा First of all, if somebody tells me when I'm fucking around, then I will strip you down, I will take off your clothes. I'm like, whoa, that's romantic. Huh? That's romantic. That's not intimidating at all. I don't know why rappers have this tendency that people will fuck with them. Every rapper knows that I'm going to be fucked with. They're pehle se prepared. It's like me going out in the metro and thinking everybody's going. I'm just like this. Aayega, somebody, come. Come, I'm thinking a rapper who is loved can probably not rap then. Itna pyar us tolerate nahi kar payega. A rapper who is loved by all is like, fuck, main gaana kiske bare mein banaun? Yeah, yeah. Jaise Tala Anjum ki ek bahut famous line hai ki in logon ne bola kuch nahi milne wala rap se. So that's his staple line. Wo bahut baar use karta hai. कुछ नहीं मिलने वाला रैप से इन हिज कॉन्टेक्स्ट कि आपको नहीं आता आई एम जस्ट सेइंग लाइक इफ समबडी टेल्स मी कुछ नहीं मिलने वाला क्रिकेट से आई विल अंडरस्टैंड कि मेरे एबिलिटीज की बात कर रहा है नॉट लाइक इन जनरल क्रिकेट ही चूतिया है ठीक है तो बंदे का नाम है अल फहद पता नहीं ऐसा कुछ होगा ए एल दैट साउंड्स लाइक अ रोल नेम हां या रेस्ट्रो अल फहम करके रेस्ट्रो है अल फहद अल बेक करके भी एक रेस्ट्रो क्या कर रहा है आपको बताने इस गाने पे कितने व्यूज थे 148k. Okay. Oh, fuck, I said I wrote 152k. 148k. The answer is 10k.
10K. 3-3, good match. 3-3. This is the first time Niladri sir and Shayan are having a close match, by the way. No, we did once. Nahin. We didn't? Never. You defeated me 9-1. No, aisa nahi. Something like that. एक बार तो आपने बोला है चले यार आप ले लो कितने व्यूज 2 ऐसे करके भी गेस किया आपने बहुत जिल्लत दी आपने नादरी सर को वीडियो नंबर 7 इज येट अगेन मुंबई रैपर एंड दिस अगेन इज वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस ऑन YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं 61k 100k Oh shit! You won it again. 100k. Huh. 99.6k. Oh. Oh shit! That's cool. 4-3, Shayan. 4-3. Wow. Track number 8 is again a female representative on Normies React. Huh? निलाद्री सर के पोलराइजिंग ओपिनियंस होते हैं इट्स नॉट लाइक यू नो इफ अ फीमेल इज इजी ऑन द आईज निलाद्री इज गोइंग टू से अरे नहीं वो वीडियो जो रोहन ने दिखाया था व्हाट वाज हिज नेम बिस्मा चुपमा चुपमा इज नॉट इवन अ नेम सो चुपमा खान या आई डोंट आई थिंक हर डिलीवरी स्टाइल ना मेरे को अच्छा लगा अच्छा डैम गुड शी इज बट ये फर्स्ट वुड यू वांट टू गेस हु हर एक्स बॉयफ्रेंड इज यू गाइस नो इज ऑब्वियसली अ रैपर I'll not tell you any. हट तो फिर कैसे गेस करो पूरा दुनिया क्या the whole world is विनोद कामली ऐसा थोड़ी अच्छा ठीक है रैपर नरसिम्हा राव रैपर नरसिम्हा राव नहीं बोला शायद एमी वे बंटा है मेरे को वैसे ही लग रहा था एमी वे बंटा है कि एक्स गर्लफ्रेंड है ये अभी आई थिंक ये दुबई में रह रही है आई एम नॉट श्योर अच्छा तो हाँ दुबई की शेरनी क्यों बोला हाँ तो अभी ये शायद दुबई में रह रही है बेसिकली मुंबई से आई एम नॉट श्योर भाई मैं ऐसे इतना रिलीजियस क्योंकि दुबई में शेर होते नहीं है आप बाहर से लेके जाते हो दुबई के ऊंट हाँ दुबई की ऊंट यू कैन से दुबई का सैंडस्टॉर्म है मैं एंड तुम्हारी तेरी बांसुरी से ज्यादा दम मेरे गांड में दैट्स वियर्ड But I like the aggressive style of तेरी rapping. तेरी बासुरी से ज़्यादा. I love the aggressive style of course rapping. Of course you love rapping. It. And I. But I don't like तेरी बासुरी से ज़्यादा दम मेरी गांड में. First of all, what are you doing with your gand, which requires that much of effort and, she says, and that strength. Pussy pricey hai. She's a pricey pussy. It's nice. चलो. Underground. यही चीज. हाँ. अगर कोई लड़का बोल देता. शेट्टी सागर बोल देता. नेहरू बोल देता. Taken his ass. देखो ये सब गलत बात है भाई एनीवेज यू नोन एज द डैंक सिंप लॉर्ड आपने किया है बिकॉज़ यू आर देन अगेन सी यू कॉलिंग मी सिंपाद्री मतलब निलाद्री नहीं सिंपाद्री यू नॉट बीइंग ऑनेस्ट यू आर लेटिंग योर मैनली इंस्टिंक्ट्स टेक ओवर नो सी दैट बिस्मा एंड दिस गर्ल बिटवीन बिस्मा एंड दिस गर्ल व्हाटएवर व्हाट्स हर नेम मुक्ता Obviously, it's Mukta, and I'm not saying Mukta is Indian and Bisma is Pakistani. I'm not saying any of that. I don't like the lyrics. I like the way she delivers, though. Okay. मुझे वो अच्छा लगा. ठीक है. Delivery video also was fine, and it was all power packed. I liked it. आपको वही video अच्छा हो easy on the eyes. No. It's more you depend more on your eyes than your ears in judging music is what I have. That's the conclusion I have come to. Am I right? Yeah. Am I right? Seeing is believing. That's what they say. So. But here actually you're judging rap. Seeing is believing is good. अभी for example कोई सिद्धार्थ मल्होत्रा आके नेजी जैसा freestyle करेगा, would you appreciate? Of course. Why will you not appreciate? Because he doesn't like सिद्धार्थ मल्होत्रा that much. But you put a दीपिका पादुकोण. एक छोटी सी problem है. What happened? मैंने यहाँ पे एक number लिखा. I'm not sure if it's the views
ऑन द सब्सक्राइबर्स कितना लिखा है हम लोग वही गेस करते हैं ठीक है आई एम अज्यूमिंग इट इज सब्सक्राइबर्स यू गेस सब्सक्राइबर्स शी हैज अगेन कोलैबोरेटेड विद एमवे व्हेन ही वाज यू लुक रोन स्ट्रेट नो व्हाई यू लुकिंग एट लाइक दिस तो इसने एमवे के साथ कोलैबोरेट किया है जब एमवे मतलब उतना पॉपुलर नहीं था और इसका बॉयफ्रेंड था उसके बाद ब्रेकअप हो गया शी इज फेमस अदरवाइज उतनी कम भी नहीं है उतनी बहुत ज्यादा भी नहीं है उतनी कम भी नहीं है बट अगेन इन इंडिया देयर इज अ मार्केट फॉर Has she performed? Little pretty looking people, huh. let's say. Bola. I said. Kitna? Boli na. 74k. 123k. 123k is the right answer. The correct answer is 264k. And Cheyenne wins this round as well. 5-3. So there's no comeback for me. Kyu? Kitna? No video, na. Oh. फाइनल वीडियो डूब गया नहीं ज्यादा ज्ञान मत पेल तेरी आइटम को दे दूंगा सांडे का तेल मेरी बंदी है हॉट तेरी बंदी है फेल अब स्टेशन में जाके किसी छक्के को पेल पूरा कितिरपुर मेरे को डिस कर रहा मैं तो आइटम को अपने किस कर रहा और क्या बोला हम धदारा फिर चच्चा से काहे तुम मरारा अबे अली बली चमत्कार नाम मेरा कलाकार झारखंड का बच्चा लोग करे तेरा बलात्कार कट्टा है हाथ में गान मारे रात में शरीर में नहीं छोटे दम मेरा बात में क्या छोटे दम मेरा बात में शरीर का छोड़ छोटे दम मेरा बात में झारखंड का लौंडा से रहना औकात में नहीं तो बहुत पिटाएगा हाँ तू तो होंडो पटाराम हर महीना नया नया गाना बना रहा तुझे 2 महीना लगा मुझे डिस करने तेरी आइटम तो चाचा के बिस्तर में तेरा अब्बा का भी यहाँ फादर है भाई चच्चा का धोती में गाजर है भाई जे तू खाएगा मजा आएगा फिर चच्चा ही चच्चा तू गाएगा तेरा डांस देखा चच्चा को मजा नहीं आ रहा तू तो छमिया का जैसे बस गणिया हिला रहा बेटा होंडो लोग को तुम दम आलू खिला रहा और चच्चा को बोले की डोम नहीं पटा रहा फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ ये देखा आपने दिस गाइस टॉक्स अबाउट द फैक्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट ही सेज कि तुम छमिया के जैसे गांड हिला रहे तेरे को डांस करना नहीं आ रहा Neither did he dance. हाँ. उसके पीछे जो 2-3 हाँ. लौंडे हैं, they are actual good dancers. This is a response to तेरी अब्बू की लुंगी में केला मिलेगा. तो इसने बोला चाचा की लुंगी में गाजर है ऐसे मत बोला. मेरे को लगा कि हर कोलकाता का किदरपुर का ऐसा रैपर लुंगी के अंदर क्या मिल रहा है उस पे बहुत गाजर खीरा बनाना डांसर को क्या बोला होगा आपको इस गाने पे डांस करना और वो स्टेप बना रहे हैं सांडे का तेल देखा आपने weird stuff but he's not a Bengali sande ka tel he's a jharkhandi guy who is in bengal I guess whatever he's saying kidirpur ke ladke log mujhe ye kar rahe that's nice you nicely screwed the question that I had set up kidhar ka nicely discussed the question jo main puchne wala tha kya sawal kya tha yahi tha kya kidhar ka ladka hai to hai to 2-3 baar jharkhand bola to hai nahi wo kidirpur that was his question अच्छा कि किधर के लड़के लोग मुझे गाली दे रहे स्क्रू कर दिया आप तो स्क्रू कर ही दिया अब क्या देयर इज नो कमिंग बैक हाँ लेकिन दिस वाज अ रिस्पांस ट्रैक टू अब्बू की लुंगी में केला मिलेगा एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस एंड दैट्स व्हाई ही इज नेम्ड हिज ट्रैक चाचा बट आई डोंट अंडरस्टैंड चाचा क्यों लिखा चाचा तो अब्बू से छोटा होता है ना हाँ फूफा कुछ रखना चाहिए था दादाजी दादा हाँ ग्रेट सासू मां रख देना चाहिए था क्या सासू मां दैट वुड हैव बीन वेरी इंटिमिडेटिंग No, but as a doubt question, agar Niladri is worried about what, how will he frame the lyrics? So, Abbu lungi mein kya milega? Abbu ke lungi mein kela milega. Sasur ma ki har gaane mein. Don't go like that. I think you've lost the plot. Har gaane mein lungi mein kya milega? Aisa state karna zaruri nahi hai. It's imperative as a rapper. You have to state. Socho lungi mein kya milta hai? Rohan will ask us a question which we will never have an answer to. What's his date of birth? किदरपुर वाला तो गया अभी पूछेगा उसका डेट ऑफ बर्थ बताओ ये है चाचा रैप 2.0 है ये इससे पहले एक और चाचा रैप बनाया है उसके रिस्पांस वाज तेरी अब्बू की लुंगी में केला मिलेगा एंड देन दिस एंड देन वो दोनों गाने जो अब्बू की लुंगी और चाचा रैप 2.0 इतना वायरल हो गया कि चाचा रैप उन्होंने यूट्यूब से हटा दिया खुद ही डिलीट कर दिया क्यों और जो अब्बू की लुंगी में केला मिलेगा वाला जो आर्टिस्ट है सैमी उसने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया फॉर सम रीजन क्यों आई डोंट नो मे बी दे नॉट एबल टू हैंडल द toxicity on the internet so what are we talking about let it be there is no question for this one because you've screwed you've royally screwed what I was about to ask you theek hai anyways I do think though if they're trying to diss each other tere abbu ke lungi mein kela milega then he says gajar both are kind of the same size he should have improvised ki mirchi yeah loki milega nahi loki is even bigger no then he's talking about that your dad has a bigger dick Yeah. See, so I think you should shorten the size. तेरे चाचा के लुंगी में गांधारी मिलेगा yeah. गांधारी इज अ छोटू आप समझ नहीं रहे हो आई थिंक
आप समझ नहीं रहे हो, तेरी अब्बू की लुंगी में केला मिलेगा मतलब मेरी, मैं तेरा अब्बू हूँ, मेरी लुंगी में केला मिलेगा। क्या ब्रेक डाउन किया मैंने यहाँ पे, आई थिंक दैट्स व्हाट दे मीन, तेरी अब्बू की लुंगी में। और वो पूरे गाने बोल रहा है तेरा पापा है हम तेरा पापा है, पूरे गाने में बोलता है। उसके बाद एक और बड़ा मस्ट इस करता है वो, मेरी बंदी प्रियंका चोपड़ा, तू तो क्या आपा आपा बोलते हैं, आपा की उम्र का बंदी पटाया है, इस टाइप से कुछ था। मेरी बंदी प्रियंका चोपड़ा, क्या मेरी बंदी मस्त है तेरी बंदी मस्त, ये क्या डिस है, व्हाट इज दिस, लाइक माय गर्लफ्रेंड इज मोर ब्यूटीफुल, दिस इज फकिंग चाइल्डिश। इसने तो क्रिएटिव किया, उसने बोला इसने इसका जवाब दे दिया तेरी बंदी मेरे बिस्तर में, नहीं वो बोला तेरी बंदी चाचा के बिस्तर में। हां तो चाचा यही है ना, ही इज द चाचा, सो ही इज सेइंग दैट आई एम चाचा, दैट गाय इज सेइंग आई एम अब्बू, हां दे आर ब्रदर्स, that's the relationship, they got they, separated haan, somewhere in life and they are fighting fighting about characters. Let's just agree, can we just message them, we have taken him as Abu, US Chacha, yeah. Can you stop this shit now? Yeah, enough enough of you, uske gajar milega kela milega fucking see good this would have been, I have a normal dick, if the other person is saying I, if you lift my lungi you will find a banana, I'll say you, okay then you don't have a dick, I have a dick, so that makes me more manly, I'm just saying. Yeah, so with that, as usual, it goes to Cheyenne. It goes to Cheyenne. Yeah. Taste of Kurka hamper. हाँ, इसको थोड़ा. Congratulations, Cheyenne. All right. Taste of Kurka से आज मुझे मिला है. Lemon pickle. You know what? As a gesture of goodwill, go. Thank this you. Is yours. Go. Thank you. I mean, go. Sorry, sorry, sorry. मतलब ऐसे parking के बाद नहीं देते? जा. जा टॉफी खा लियो. नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं. As a gesture of goodwill, what is this? This is a... Kurk passion fruit. Let me hold yeah. it. Give. Kurk passion fruit squash. Yeah. It tastes very good with vodka. If you don't know what passion fruit is rare to find. Not only does it taste amazing, but also brings along a plethora of health benefits with it, especially when you mix it with vodka. Yeah. No. Discover all of it's packed in a bottle that'll leave you energized and active. Great, great. All right, Madhuri, this is for you. Hey, thanks, man. I thank you so much. We're missing the tagline. Moon mein kuch daal. Haan, agar aapko nahi pata abbu ke lungi mein kya milega? Mostly it's taste of cool. Now definitely scales are going up. ये taste तो जाने सबको, सबको वो taste करना है जो abbu ke lungi mein है. किसको नहीं taste करना वो? Very good. Yes, yes. So yeah. A great video. This one I think is going to turn out really well. God willing. How was your experience? I loved it. I mean, watching legendary hip hop track. Was, yeah. Who was your favorite in terms of legendary? Like Bura सबसे क्या लगा उस टाइम? मतलब सबसे? Niladri doesn't take the hint. उनको पूरा बोलना पड़ता है सर. सबसे अच्छा मुझे लगा. Bura सबसे लगा मेरे को. तो आपको नेजी और शेट्टी साह की वीडियो से भी ज़्यादा ख़राब लगा होगा। Thorat was really fucking pathetic. Thorat has some similarity with Borat. Followed by Nezi, followed by Sharisa. Okay. Shimeya. हाँ. I think वो वाला, उसके बाद Nezi, उसके बाद वो लड़की, पाकिस्तानी लड़की. बिस्मा अस्मा नहीं बिस्मा ये चुपमा अस्मा इतना भी खराब नहीं था यार पाकिस्तान अच्छा ओके 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 सिंपाद्री ये सिंपाद्री 15 साल के बच्चे अभी कमेंट में ये सिंपाद्री नहीं नहीं मत करो यार यार नो लेट इज नॉट एक्चुअली मतलब इट्स नॉट दैट ही वांट्स कि ओहो लड़की ऐसा कुछ नहीं है हां इट्स नॉट लाइक दैट या एंड यू जजिंग विद योर आईज देन मोर देन योर इयर्स या one word summary for whatever Cheyenne has said is tharak. Nahi. So the next time that you show me a female video, let me suggest you one thing. Yeah. Blindfold me. ठीक है? Blindfold me. हाँ यहाँ पे क्या नाम है गांधारी की तरह बैठे रहोगे. Niladri. Blindfold me. Then Niladri will go to the other extent. उनको बोला oh fuck ऐसा बोला ना कोई भी लड़की कैसी भी हो आशा भोसले का गाना है. बेइज्जत करेंगे इसको. हाँ नहीं ऐसे भी नहीं करता. नहीं ऐसा नहीं है. Niladri का ऐसा कोई अल्टीमेट मोटिव नहीं है बस आई जस्ट व्हाट इज द सिम बस ठीक है. That's it for the video this time around. It was nice shooting this one. Thank you so much for 15,000 comments. ठीक है. I'll see you next time around with K-pop. K-pop. So Niladri, you will. I'm gonna be hosting that. Yeah. Whoa. I'm gonna be hosting that. It's gonna be interesting. All right. So until next time, it's Normies signing off.
त्योहार के माहौल में क्यों सर्दी की शॉल लपेट के बैठा है मोहल्ला, अंदर की गर्मी हमदर्दी को साथ निभा के जला दे वो शोला, हंसू पे सवेरे को जल्दी उठ के मुझे लेनी है जेने की सांस, और भगेगा अंधेरा रात में दिया जलेगा उजाले से रब्ता, साफ सफाई।